जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, तो तेज प्रताप जी को न उनका परिवार गंभीरता के साथ लेता है, न उनकी पार्टी लेती है, और राजद का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप या तेजस्वी यादव का भी कोई भविष्य नहीं है। जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, तो तेज प्रताप जी को न उनका परिवार गंभीरता के साथ लेता है, न उनकी पार्टी लेती है, और राजद का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप या तेजस्वी यादव का भी कोई भविष्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति से कहीं गायब भी हो चुके हैं। हालांकि इसके अलावा वो बाकी की चीजों में जरूर दिखाई देते हैं, फिर चाहे शंकर का अवतार हो या फिर कृष्ण का अवतार, या फिर चाहे उनके जिम के फोटोग्राफ्स हो या फिर उनके हेयर स्टाइल की चर्चा हो। तो वहीं उनके राजनीति से दूर होने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कह दिया कि उनको उनका ही परिवार गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव को भी लेकर काफी कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। तेजस्वी यादव भी रस्म अदायगी करने आए हैं, लंबे समय तक बाहर रहे हैं। जनता पार्टी और उनका परिवार उनको ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है। और जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, तो तेज प्रताप जी को न उनका परिवार गंभीरता के साथ लेता है, न उनकी पार्टी लेती है। बिहार की जनता में पूरे परिवार को लेकर के गहरी नाराजगी है। जिस तरह से जबरदस्ती एक परिवार को बार बार थोपने की कोशिश उनके यहाँ से होती रही है, पिछले कुछ वर्षों में जो स्थितियाँ बनी है, इस तरह की राजनीति को जनता स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसीलिए ये बीता हुआ दौर आने वाले समय में साबित हो जाएगा, और राजद का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप या तेजस्वी यादव का भी कोई भविष्य नहीं है। आपको बता दें कि राजनीति से काफी समय से गायब रहे तेज प्रताप यादव। हालांकि उन्होंने अभी तक राजनीति में अपना कमबैक तो नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा वो बाकी चीजों में जरूर दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको हमने फिर आप एक बार पहले बताया कि कभी अपने लुक को लेकर के, कभी अपने शंकर अवतार को लेकर के, तो कभी अपने इंस्टाग्राम फोटोज को लेकर के। हालांकि कुछ दिनों पहले वो जरूर थोड़े से सक्रिय दिखाई दिए जब उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस पटना आए, और आपको बता दें कि दूध मंडी को लेकर के दोनों भाई देर रात तक धरने पर भी बैठे नजर आए। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि राजीव रंजन ने ये कहा कि ना ही उनको उनका परिवार गंभीरता से लेता है, ना ही पार्टी, साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि ना ही राजद का कोई भविष्य है और ना ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का, तो इसे साफ जाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं राजद की नैया जो है वो लगभग डगमगा चुकी है। और अगर बात करें राजनीति में अपना करियर जमाने की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हमेशा कहीं गायब से हो जाते हैं, हालांकि वो बीच में नजर आते भी हैं तो एक से डेढ़ घंटे के लिए, या फिर जिस तरह से दोबारा उन्होंने अपना कमबैक किया जिसको लेकर के उन्होंने अपने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की, हालांकि उन्होंने कई सदस्य भी बनाए, जिस तरह से उन्होंने दूध मंडी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, हालांकि अभी उन्हें वापस है कुछ दिन तो नहीं हुए, लेकिन यही कुछ दिनों में वो काफी ज्यादा सक्रिय दिखे। लेकिन वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो वो राजनीति से बिल्कुल ही कहीं विलुप्त से हो चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, किसी का ये कहना है कि वो इसके अलावा काफी दूसरी चीजों में सक्रिय नजर आते हैं। तो देखना यह है कि जिस तरह से उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव काफी समय के बाद वापस आने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए हैं, देखना वाली बात यह होगी कि आखिर तेज प्रताप यादव राजनीति को लेकर के कब सक्रिय होते हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।